कानपुर देहात में इन दिनों स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी हुई कई तैयारियां देखने को मिल रही हैं। सरकारी इमारतों व गैर सरकारी भवनों में भी रंगाई पुताई का कार्यक्रम चल रहा है। चित्रकला के माध्यम से आज़ादी से जुड़ी हुई चित्रकलाओं के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जगह जगह राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाकर आज़ादी के इस 75वें वर्ष को यादगार बनाया जा रहा है। जिले में कई जगह अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में तिरंगा रैलियों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। आपको बता दें कि कानपुर देहात में मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय समेत तमाम सरकारी भवनों एवं इमारतों में रंगाई पुताई का कार्य चल रहा है। आने वाले 15 अगस्त को इसके अलावा गैर सरकारी भवनों में भी रंगाई पुताई का कार्यक्रम चल रहा है। आपको बता दें कि कानपुर देहात के अकबरपुर कस्बे के ओवरब्रिज के नीचे स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए जगह जगह आज़ादी एवं उससे जुड़ी हुई यादगार को चित्रकलाओं को बनाया जा रहा है, जिसके जरिए आने वाले 15 अगस्त को आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने के दिन को यादगार बनाना है। इसके साथ ही लोगों के बीच चित्रकलाओं के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।